वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको बेकरी जैसा बर्थडे केक बनाना बताऊंगी, साथ ही साथ बहुत ही आसान तरीके से आइसिंग करना भी बताऊंगी। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हमें ऐड करना है 4 टेबल स्पून, हम इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे। इसको मैंने शक्कर को जो है मिक्सी में मैंने पीस लिया था। यदि आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो मिक्सी में पीस के आप जो है इसको छान के काम में लें। दोनों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसको फेंटना है। 2 टेबल स्पून हमें इसमें बटर भी ऐड करना है। अब इसमें ऐड करना है कंडेंस मिल्क। तो 1/2 कप मैंने यहाँ पर कंडेंस मिल्क लिया है। सभी को अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से हमें इसको फेंटना है। स्मूथ बैटर इसका हमें तैयार करना है। अब मैंने यहाँ पर 3/4 कप दूध लिया है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे है। इसमें मैं ऐड करूँगी व्हाइट विनेगर 1 टीस्पून। यदि आपके पास व्हाइट विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। इसको हम मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। एक बार फिर से हम इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। 3 से 4 बार हम ऐसे करेंगे ताकि शक्कर भी जो है अच्छे से इसमें घुल जाए। अब मैंने लिया है खाली बाउल, इसमें मैंने डाली है 1 कप मैदा। 1/4 टीस्पून हमें डालना है बेकिंग सोडा। 1 टीस्पून हमें इसमें डालना है बेकिंग पाउडर। 3 टेबल स्पून हमें इसमें डालना है कोको पाउडर, वो हम इसमें डाल लेते हैं। सभी को एक बार हम छान लेते हैं। ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है। कंडेंस मिल्क वाला जो बैटर है उसको भी हम एक बार अच्छी तरह से वापस से मिक्स कर लेते हैं और सभी को इसमें हमें ऐड करना है। तो सभी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। चलिए सभी को हम अच्छे से मिक्स करते हैं। ज़्यादा हमें इसको नहीं हिलाना है, हल्के हल्के हाथों से ही हमें इसको मिक्स करना है। अब जो हमने विनेगर का दूध मिलाया था वो भी हमें थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें ऐड करना है। आज हम केक कढ़ाई में बनाएंगे तो गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है। इसमें हम ऐड करेंगे नमक। ये नमक जो है बहुत बार मैं बेक करने में ले चुकी हूँ, बार बार हम नमक का यूज कर सकते हैं। नमक को अच्छी तरह से हम फैला देते हैं चारों तरफ और इस पे मैं एक लगा दूंगी स्टैंड। 5 मिनट के लिए हम प्री हीट होने के लिए इसको रख देते हैं। बैटर भी आप देख सकते हैं अच्छे से हमारा सेट हो गया, बहुत ही स्मूथ बैटर बना है। इस तरह का हमें बैटर चाहिए, ज्यादा पतला भी नहीं करना है, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर केक टिन लिया है और अच्छे से मैंने उसको ग्रीस कर लिया है। बटर पेपर मैंने इस पे लगा दिया है तो सारा बैटर हम इसमें फील करेंगे। ऐसे हम इसको टेप कर लेते हैं जैसे कि केक हमारा अच्छा बने, एयर बबल्स जो है इसमें से निकल जाएं। कढ़ाई भी हमारी प्री हीट हो गई है। बड़ी ही सावधानी से हम केक टिन को इसमें रख देते हैं और हम इनको ढक देंगे। केक को पकने में 30 से 35 मिनट का टाइम लगता है तो 30 से 35 मिनट हमें इसको कम फ्लेम पे पकाना है। और यदि आप माइक्रोवेव में बनाना चाह रहे हैं तो इसको कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे आप इसको 5 मिनट के लिए प्री हीट करके 30 से 40 मिनट के लिए इसको आप बेक कर सकते हैं। 30 मिनट से पहले हमें खोलकर चेक नहीं करना है, इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। अब केक को हम चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा केक हमारा बना है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा केक हमारा फूला है और बिल्कुल परफेक्ट हमारे केक की सिकाई हुई है। तो चलिए गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देते हैं और केक को हम ठंडा होने देंगे। तो जब केक ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हमें इसे डिमोल्ड करना है। 1 घंटे तक हम केक को ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हमें इस पे आइसिंग करनी है। केक को मैंने डिमोल्ड कर दिया है, इसकी जाली आप देख सकते हैं कितना अच्छा केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक हमारा बना है। अब इस पे हम आइसिंग करेंगे। आइसिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम ली है। व्हिप्ड क्रीम मैंने घर पे ही बनाई है। देखिए ये व्हिप्ड क्रीम कैसे बनाते हैं, इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम हम लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे। इस तरह मैं चारों तरफ से इसको अच्छे से फैलाना है।
इस तरह हम साइड में ऊपर दोनों साइड से ही हमें व्हिप्ड क्रीम लगानी है। अच्छी तरह से हमें इसको कवर करना है। केक को हमने अच्छी तरह से क्रीम लगा दी है, अब इसे हम दूसरी प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब मैंने इस तरह की नोजल ली है, इसे हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो एक प्लास्टिक की पन्नी ली है, इसमें मैं नोजल डालूंगी इस तरह। फिर आगे से मैंने इसको कट कर लिया है, इसमें अब हम क्रीम को भर लेते हैं। अब हमें इसकी डिजाइन बनानी है, तो इस तरह हम इसको प्रेस देते हुए इसकी डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए, अब बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही सुंदर लगती है। इस तरह आपकी इच्छा हो वैसे आप डिजाइन बना सकते हैं। ये मैंने चॉकलेट ली है, इसको मैंने अच्छे से जो है पील कर लिया है, इसे हम डेकोरेट करेंगे। तो इसको अब हम बीच में लगा लेते हैं, थोड़ी बाहर की साइड भी हम इसे लगा लेंगे, इससे केक और भी अच्छा दिखेगा। इस तरह हम नीचे भी लगा लेंगे बाकी बची हुई चॉकलेट को। अब मैंने यहाँ पर ली है जेम्स बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, तो इससे हम इसका डेकोरेट करेंगे तो ये और भी अच्छा लगेगा। तो सभी पे हम एक एक जेम्स लगा देंगे। सभी पे मैंने जेम्स लगा दी है, बहुत ही अच्छा हमारा केक बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी और आसान तरीके से मैंने आज आपको केक बनाना बताया है, बहुत ही सिंपल तरीके से। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका केक बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनेगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो प्लीज, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।